बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टू बॉडी ऑसिलेशंस। इससे पहले हम लोग सिंगल बॉडी ऑसिलेशन पढ़ते आ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने उसे स्टार्ट किया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे टू बॉडी ऑसिलेशन। टू बॉडी ऑसिलेशन का जो मैकेनिज्म है ये लिटिल बिट डिफरेंट है वन बॉडी ऑसिलेशन से। इससे पहले आप लोग पढ़ते आए हैं, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस अटैच्ड है। ये इस मैस को मैं यहाँ पे जाकर डिस्प्लेस करता हूँ तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। ये था वन बॉडी ऑसिलेशन। हम लोग इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते थे इस इक्वेशन ऑफ मोशन का, इसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फाइंड आउट करते थे। लेकिन बेटा, आज का हमारा जो क्वेश्चन है या आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्लाइटली डिफरेंट है। उसमें एक बॉडी नहीं है, एक ही स्प्रिंग के साथ दो बॉडीज अटैच्ड है। यानी ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये अटैच्ड है दो मैसेज के साथ। एक मैस है M1 और एक मैस है M2। बोथ मैसेज कैन मूव। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि M2 हैवियर है M1 के मुकाबले में। यहाँ पे M2 इज रिलेटिवली लार्जर देन M2 M1, और M1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन डेट इज X1, और M2 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन डेट इज X2। अब लेट्स सपोज कि जो रिलेटिव सेपरेशन है इन दोनों मैसेज की रिलेटिव टू ओरिजिन, जो रिलेटिव सेपरेशन अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो इस सिचुएशन में जब ये अनसट्रेच्ड है, उस सूरत हाल में ये सेपरेशन है X2 माइनस X1। इक्वल्स है X, दिस इज रिलेटिव सेपरेशन। सेपरेशन इन अनस्ट्रेच्ड फॉर्म, जब स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच नहीं है। लेट L इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन अनस्ट्रेच्ड सिचुएशन। L क्या है? स्प्रिंग की लेंथ है। और अगर ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में होगा तो फिर X या जिसे हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डेट विल बी इक्वल टू X1 माइनस X2 माइनस L। L क्या था? इसकी लेंथ थी जब ये रिलैक्स स्टेट में था, अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग थी L। और X जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, डेट विल बी X1 माइनस X2 माइनस L। दिस इज विल बी द रिलेटिव सेपरेशन। बेटा, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं, अब इस ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दो मैकेनिज्म्स है, दो तरीकों से सॉल्व कर सकता हूं। एक तो क्या कर सकता हूं कि ये दो मैसेज हैं, दोनों मैसेज को मैं अलग अलग इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं। जस्ट लाइक फॉर मैस M1 मैं लिख देता हूं M1 d2 x1 over dt square equals minus kx। रिलेटिव जो इनका डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों का रिलेटिव हम ले रहे हैं। तो ये माइनस, लेट्स सपोज इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगी वो इधर को थी माइनस एफ। लेकिन बेटा, जो इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, एफ की ऑपोजिट डायरेक्शन में। यही ये अगर टूवर्ड्स लेफ्ट लग रही है, ये टूवर्ड्स राइट लगेगी। अगर ये माइनस एफ है, फोर्स एक जितनी लगेगी रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये प्लस एफ है। तो अगर मैं M2 के लिए लिखना चाहूं तो M2 d2 x2 over dt square that is equal to plus kx, that is equal to, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये क्या है? प्लस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, एक टूवर्ड्स एक के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट है और दूसरे के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स राइट है। तो इस तरह से मैं दोनों सिस्टम्स की जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकता हूं और दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकता हूं।
एक और मैकेनिज्म भी है, वो मैकेनिज्म क्या है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि मेरे पास एक इक्वेशन आई m1 d2 x1 over dt square equals minus kx, दूसरी क्या आई m2 d2 x2 over dt square is equal to plus kx. अब ये इसे मैं इक्वेशन नंबर वन कह लूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर टू कह लूं. अगर बेटा मैं मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन नंबर वन को m2 के साथ, क्योंकि इसमें m1 था और इक्वेशन नंबर टू में m1 नहीं है, इसे m1 के साथ मल्टीप्लाई करूं माइनस m1 इक्वेशन नंबर टू, तो इसे m2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन नंबर टू को m1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वन में से टू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास जो बेटा इक्वेशन आएगी डेट विल बी इक्वल टू, आप लोग जो हैं ये जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं ये बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और अभी काफी सारा टाइम हो गया है लेक्चर को स्टार्ट किए हुए, आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आई कांट अंडरस्टैंड कि आप ऐसा जो है इतने इररिस्पॉन्सिबल क्यों है. अगर इसमें m1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, m2 से, m1 m2 d2 x1 over dt square, इसे m1 से मल्टीप्लाई करना था माइनस m1 m2 d2 x2 over dt square equals, इसे मल्टीप्लाई किया माइनस k m2 x माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस कर k m1 x. अब बेटा इसे मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज तो m1 m2 अगर यहां से कॉमन आ जाए m1 m2 d2 over dt square को भी कॉमन ले लो तो क्या आएगा x1 minus x2. इस तरह अगर माइनस के x को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा m1 plus m2 आ जाएगा. ये वाला फैक्टर अगर इधर जाके डिवाइड हो जाता है तो मेरे पास इक्वेशन बचेगी बेटा m1 m2 over m1 plus m2 d2 over dt square into x1 minus x2 equals minus kx. इक्वेशन बननी m1 m2 over m1 plus m2 d2 over dt square x1 minus x2 equals minus kx. अब बेटा आपको पता होगा कि हमने अभी लिखा कि x किसके इक्वल था, x इक्वल था x1 माइनस x2 माइनस l के इक्वल, अभी हमने शुरू में बात की थी. अगर बेटा मैं x1 माइनस x2 लूं इसमें तो ये क्या आएगा x प्लस l के इक्वल आएगा. अगर बेटा इसका मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम x1 माइनस x2 का तो बेटा इसका जो डेरिवेटिव है डी एक्स ओवर डी टी प्लस डी एल ओवर डी टी, बेटा डी एल ओवर डी टी का डेरिवेटिव जीरो होगा क्योंकि एल तो एक कांस्टेंट लेंथ है ना, एक्स वेरी कर रहा है बट एल नहीं वेरी कर रहा, लिहाजा डी ओवर डी टी एक्स वन माइनस एक्स टू किसके इक्वल होगा डी एक्स ओवर डी टी के. इसी तरह इसका स्केयर भी लूंगा तो वो भी क्या होगा डी टू ओवर डी टी स्केयर एक्स वन माइनस एक्स टू डेट विल बी इक्वल टू डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर. तो बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक बच्ची ने हैंड रेज किया है, देखते हैं कि वो क्या कह रही है. m1 m2 over m1 plus m2 d2x over dt square equals minus kx. This is the equation. मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ. बेटा ये एक बच्ची कह रही है कल वाला लेक्चर दोबारा करवा लें, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कल वाला लेक्चर YouTube पे मौजूद है, अगर किसी को दोबारा सुनना है तो वो YouTube लिंक मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, वहां से वो लेक्चर ले सकते हैं.
अब बेटा हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, अगर हम इसके यूनिट्स देखें तो ये मैथ के यूनिट्स आएंगे बेटा। दिस इज नोन एज m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड मैथ। क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड मैथ। मैं इसे लिख सकता हूं, यहां से हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है रिड्यूस मैथ किसकी इक्वल है, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 बेटा, दिस इज द रिड्यूस्ड मैथ। इसके यूनिट्स मैथ में होंगे। बेटा ये जो है अगर हम लोग इसे देखें, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारे पास थी m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, अगर इससे मैं रिड्यूस मैथ को ही नाम दे दूं, म्यू का नाम देते हैं नॉर्मली, लेकिन आपकी बुक वाला इसे m लिखता है, अगर इससे मैं m ले लूं तो मेरे पास बेटा जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो कुछ ये बचेगी। इसे मैंने m का नाम दिया तो ये क्या बचेगा, m d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स माइनस kx। तो क्या बेटा ये एक वैसी ही इक्वेशन नहीं बन गई जैसी हम लोग पहले सिस्टम में पढ़ रहे थे फॉर वन बॉडी ऑसिलेशन के लिए? जो हम इक्वेशन पढ़ रहे थे वो भी कुछ यही थी, ये भी कुछ वही इक्वेशन बनी है। इट मींस कि मैं बेटा अगर मैं इन दो बॉडीज को साइमल्टेनियसली हल करना चाहता हूं तो मेरे पास कोई ऐसी रेमेडी या ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि मैं दोनों सिस्टम्स को अलग अलग पढ़ने की बजाय इकट्ठा भी पढ़ सकता हूँ, फिर मुझे दोनों सिस्टम्स का मैथ अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा बल्कि दोनों का रिड्यूस्ड मैथ लेना पड़ेगा। बेटा रिड्यूस्ड मैथ की जो वैल्यू है ये एक्चुअल दोनों मैथ से कम होगी, और वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, इसे स्मॉल m या म्यू से भी लिखा जाता है। तो बजाय इसके कि हम दोनों बॉडीज को अलग अलग से स्टडी करें, हम क्या करेंगे, दोनों बॉडीज को साइमल्टेनियसली स्टडी कर लेंगे, और ऐसे कर लेंगे कि ना इसका मैथ हम m1 लेंगे ना m2 लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, रिड्यूस्ड मैथ, जो किसके ऊपर था, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। ना हम डिस्टेंस x1 लेंगे ना डिस्टेंस x2 लेंगे, बल्कि हम क्या लेंगे, x लेंगे, जो किसके इक्वल होगा, x1 माइनस x2 माइनस L की इक्वल होगा। पहले हम इस पे बात कर रहे हैं। तो बेटा इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में हम कन्वर्ट कर देंगे, और फॉर इन डूइंग सो वी विल नॉट यूज द इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 एंड x2 यूज नहीं करेंगे, बल्कि x1 माइनस x2 यूज करेंगे, इंडिविजुअल वेलोसिटी यूज नहीं करेंगे, v1 माइनस v2 रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन यूज नहीं करेंगे, बल्कि a1 माइनस a2 रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज करेंगे। इस तरह से हम टू बॉडी प्रॉब्लम का जो हमारा है उसे हम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये है आज का हमारा लेक्चर, इसे प्रिपेयर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।